दिख रहा है, जो पोस्टर दिख रहा है, पहले फरारी बता देता हूँ आपको। तब से सुन के हार्ट बीट फास्ट हो गया, पर वीडियो चालू ही नहीं था। ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग, आज का एक सेकेंड। सो वेरी गुड मॉर्निंग, आज डे 3 है फिलहाल के लिए अभी दुबई में। तो आज का प्लान कुछ अलग है, कल आपने देखा रहेगा अवार्ड फंक्शन टॉपिंग्स वगैरह जो मैंने, कल काफ़ी मज़ा आया, कल हैक्टिक डे था, दो दिन से सोए नहीं थे तो कल फाइनली जाके सोए और बहुत अच्छी तरीके से सोए थे। तो आज जस्ट मैं अभी उठा हूँ, सुबह 5:30 बजे तक उठा हूँ, ब्रेकफास्ट नहा धो के, ब्रेकफास्ट अभी करने जाएंगे नहीं, के बाद में आज का प्लान है ना बहुत अच्छा है, मतलब मैं बोलूँ चलो बता देता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अबू धाबी, तो अबू धाबी फरारी वर्ल्ड में जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी राइड्स है, बहुत सारी गेम्स है, तो वो सब गेम्स खेलेंगे। तो मेरे इस व्लॉग को एंड तक देखना, इसमें भी बहुत सारे, मैं आपको बोलूँ ना कि यहाँ से अगर मैं जाऊँगा इंडिया तो सबसे ज़्यादा मिस करूँगा ना मेरे बालकनी का व्यू। अब मेरे बालकनी का व्यू देखो, यहाँ पर है बुर्ज खलीफा, ये पूरा व्यू देखो यार मेरे बालकनी से। बिलीव नहीं करोगे, पिछले 20 साल में ये कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कि आप उसका हिसाब किताब नहीं समझ पाओगे। मेरे गाइड ने एक और चीज़ बताई थी, पिछले 15 साल में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। यहाँ से भी व्यू देखो, आप यहाँ पे देखो ये सब सैंड पड़ी हुई है, यहाँ पर जो रेत वगैरह होती है जो लोग मैनमेड आइलैंड बनाते हैं, तो इसी के थ्रू मेरे ख्याल मैनमेड आइलैंड बनाते हैं ये लोग। ये अपनी काफी लंबी सी लॉबी है, तो रूम टूर मैं आपको मेरे ख्याल से कल सुबह मॉर्निंग में बता दूंगा, फिलहाल के लिए आप ये ब्लॉग नहीं ये व्यू देखो। आप लोगों को सामने दिख रहा है कि नहीं वो एयरबस जिसकी फ्लाइट बात करते हैं हमारे रूम पार्टनर जयंत सर से। जयंत सर मेरे को एक बात बताओ, कल मजा आया कि नहीं आया? सर बताओ, कल मतलब मजा एक्साइटमेंट बहुत रही है। हाँ। जिस हिसाब से दुबई सिटी का टूर हमने किया है, एक्सेप्ट ऑयल रिसोर्सेज, सिर्फ उनके पास एक ही सोर्स था, सिर्फ उनका इनकम बताना, सोर्स ऑफ इनकम एक ही था, और उसके ऊपर जो उन्होंने जितना 50-20 इयर्स में दुबई को डेवलप किया है ना, अमेजिंग, मतलब आके एक बार देखने जैसा है, काफी ब्यूटीफुल। विल विजिट बुर्ज खलीफा। हाँ, ये चीज मैं आपको भूल गया बोलना, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाएंगे हम लोग, टॉप पे, अरे क्या ही बताओ, वो तो अलग ही मजा आएगा, क्या बोलते हो? स्टे ट्यून्ड, बहुत मजा आएगा। बुर्ज खलीफा मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ तो चीज थी जो आइटिनरी में थी, वो अब चीज मिस कर रहा, मैं मिस कर रहा, वो बुर्ज खलीफा थे। बुर्ज खलीफा में जाएंगे कल टॉप फ्लोर पे। मैं आपको है ना सिर्फ मेरा होटल दिखाता हूँ बाहर से। तो भाई आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले, क्या बोलते हो? उसमें भी जो फरारी वर्ल्ड है ना, उसका एक्सपीरियंस अमेजिंग है। तो भाई आज मचाने वाले, क्या बोल दिया पब्लिक, आज बहुत मचाएंगे दुबई में, दुबई में नहीं सॉरी अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड, इसलिए मैंने भी ना थोड़ा बहुत रेड रेड पहना, क्या वो थोड़ा मैचिंग होगा ना, मजा आएगा। डब्ल्यू होटल है, रेडिस एंड ब्लू, क्राउन प्लाजा, जो भी होटल में आप लोग बुकिंग करेगा आप लोगों को टिकट इधर के जो वाटर पार्क जो भी एक पार्क का टिकट फ्री में मिलता है। फॉर्मूला रोसा बोल की एक जो राइड है, वो राइड करने के लिए किसी को भी अगर ताकत है तो करो, किसी को भी अगर डर हेल्थ में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो मत करो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं फरारी वर्ल्ड आऊँगा, तो अभी मैं फरारी वर्ल्ड में, पहले एक ग्रुप फोटो हो जाए। सामने टिकट काउंटर है, सिंगल लाइन सबसे पहले मैं, अभी हम लोगों को यहाँ पे टिकट विकेट लेना है, टिकट वगैरह मिल गया अपना, ऑलरेडी पहले से टिकट लेके रखा हुआ था, तो ओपन कर लेते, एग्जैक्ट टिकट देख लेते कैसा दिखता है क्या होता है। पहले फरारी बता देता हूँ आपको, दूर से फरारी का लोगो, बाकी फरारी के मर्चेंडाइज, इसके जो भी है जैकेट टी शर्ट मैन वुमेन वो सब मिलेगा यहाँ पर।
कैन वगैरह कुछ होता है, कैनिंग का सिस्टम है, कैन वगैरह हो गया। पर मुझे लगा कि इसके अंदर कैश रहेगा, आई मीन टिकट रहेगा, बट मैंने जब इसके अंदर खोल के देखा तो मुझे दिराम मिले। तो कंपनी वालों ने हमको दिराम दिया हुआ 60 दिराम, अंदर कुछ खाने पीने के लिए जो भी रहेगा। खुशी हो रही है, पर जैसे उसने मुझे बोला हुआ मेरे गाइड ने कि 45 सेकेंड की मोजो करके है, कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, भूल भी गया। सो मोजो करके कुछ तो राइड उसने बोली है जो 45 सेकेंड की होती है, जो नियर अबाउट 250 किलोमीटर के स्पीड से चलती है विद इन 5 सेकेंड में। सबसे सुन के हार्ट बीट फास्ट हो गया, पर वो राइड मुझे करनी है और वो राइड मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले वो राइड करेंगे, उसके बाद में कोई दूसरी राइड करेंगे। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ ये देखो। तो पीछे इसे पीछे कार का शोरूम से, मतलब पूरे फरारिस कार का शोरूम पीछे है। अभी हम लोग जो राइड करने वाले, सबसे पहली राइड और सबसे बड़ी राइड, बाकी सब राइड हो या ना हो, ये वाली राइड फॉर्मूला रोसा, ये राइड है F1 जोन में है और ये 4.9 सेकेंड की राइड है। ये राइड सबसे पहले हम लोग करेंगे, बहुत डेंजरस राइड है। मैं ट्राई करूंगा जितने मोमेंट हो सके वो सब कैप्चर करने के लिए। सबसे ज्यादा फास्ट रोलर कोस्टर, मैंने एक बार ऐसे क्लोस्टर में बैठा हूँ, इमेजिका में बैठा था, उसके बाद में मैंने कभी नहीं बैठा। अब हम एंट्री करेंगे। अरे मिलन भाई बोलो ना भाई, थोड़ा बीक लागे छे तमने? अरे થોડો બીક લાગે છે, પણ એડવેન્ચર એટલું છે એટલે ઘણી મજા આવશે, ડેમ શ્યોર, બીકોઝ મારા માટે રોલર કોસ્ટર સેકન્ડ ટાઈમ છે। અચ્છા, સેકન્ડ ટાઈમ મેરે લિયે ભી હે, બટ મેને ઇમેજિકા મે કિયા થા, યહાં પે નહીં કિયા, તમારા અહીંયા બીજેપી। અચ્છા, સિંગાપોર, ઇન્હોને સિંગાપોર મે કિયા થા, યુનિવર્સલ સ્ટુડિયો મે, યુનિવર્સલ સ્ટુડિયો મે કિયા થા, તબ હમ નહીં ગયે થે સિંગાપોર। તો અભી હમ ફાઇનલી હમ દોનો સાથ મે કરેંગે, યહાં પર કરેંગે, ઓર વો ભી ફર્સ્ટ રૂમ, હા આગે બેઠેંગે, સબસે આગે। राइड करके हो चुका है, बोलो ना एक ही वर्ड बोलता, फट के हाथ में आई थी। मैंने इतनी डेंजरस राइड मैंने नहीं देखी थी। मैं कुछ क्लिप्स है मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से ये डर निकालने के लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। जब वो इनिशियल पिकअप किया ना उसने, तब पड़ गई थी। अब ठीक है, अब दूसरी राइड करेंगे। एक्चुअली कैसा था यहाँ पर, फॉर सेफ्टी रीजन फोन्स वॉचेस आपके जो भी गैजेट है वो आप कैरी नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ राइड। बस यही है, मैंने क्या कैरी नहीं किया, बस मैंने किसी को दे दिया था कि अगर मैं आऊँगा एटलीस्ट उतना तो कैप्चर हो जाएगा, सो डैट मैंने वो अटैम्प की हुई है। बाकी एनीवेज मज़ा नेक्स्ट लेवल पे आया है यार, अभी भी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं देखते क्या टर्बो ट्रैक देखते कि ये कैसी राइड रहेगी। इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ टर्बो ट्रैक का। पहले तो सांस ले लेते हैं थोड़ी डीप ब्रीथ। अब ये दूसरे मौत के कुएं में जाना है ना, अभी दूसरे मौत के, दूसरा मौत का कुआ ये टर्बो ट्रैक। तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। पहला वाला कैसा एक्सपीरियंस था? हार्ट बहुत बहुत एकदम आगे बैठे, पहले तो ऐसा लगा था कि वापस आएगी भी या नहीं आएगी। सब भगवान को याद कर लिया था, कोई ना कोई तो बचा ही लेंगे। चलो अभी देखते ये वाला राइड। तो अभी एक और रोलर कोस्टर है, ये वाला फ्लाइंग इश, तो ये वाला भी अभी करना है, तो अभी फिलहाल बैग रख देते हैं। इसका भी एक्सपीरियंस थोड़े टाइम के बाद, मैं एक्चुअली आपको दिखा नहीं पा रहा, उसका रीजन ये है कि कैमरा और ये सेफ्टी पर्पस के लिए सब अलाउ नहीं है। बाकी मजा आएगा, देखते हैं। और ये वाली राइड है ना सबसे बेस्ट राइड थी, क्या लगता है? सबसे बेस्ट नहीं, सबसे जोरदार, वन ऑफ द बेस्ट राइड। वो रोलर कोस्टर फास्टर है बट ये है ना डेंजरस है, वो ये लिटरली ऊपर जाके, मतलब डराओ मत, डेंजरस नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस कुछ अलग है। इसका एक्सपीरियंस अलग, मतलब 90 डिग्री और उल्टा, ये वो भाई को खांसी हो गई है, खांस रहा है। ये है ना, इसका क्या था पता है? ये भाई बोला कि मैं पहले आगे जाके बैठेगा, आगे जाके बैठा, अभी इसका हालत देखो, खांसी पे खांसी चल रहा है। तो मतलब ये बहुत अच्छा राइड था एक्चुअली, कैसे पता आप लोग बता नहीं सकते ये राइड, पता और नहीं चल रहा था कि खत्म कब होगा ये राइड, वापस आएगी भी नहीं आएगी। सबसे लॉन्गेस्ट राइड था और पूरा आपको वर्ल्ड सफारी दिखेगा यहाँ से। मैं और एक बार हम लोग जा रहे हैं, मैं फरारी में नहीं, और एक बार हम जा रहे हैं पहला बार, पाछो हमरे जाऊ छे पहला बार। अब देखो इसको फिर से जाना, खास खास के थक गया ये, फिर से मैं नहीं बैठने वाला। तुम आओ, तो तुमने आओ,
अरे इनको आना है, चलो मैं तो भाई आऊंगा बट फर्स्ट नहीं बैठूंगा। नहीं फर्स्ट में ही अपने फर्स्ट में बैठने का। और लटक रहेगा पार्टी है जना, डर लगे जना। ये वाली राइड करनी है अभी फिलहाल, ये वाली रेड वाली, ये विजन फेरारी करके ये वाली राइड, ये भी रोलर कोस्टर ही है। ये वाली राइड करने के बाद देखते हैं एक्सपीरियंस, हम आपको बताएंगे कि कैसा लगता है। मेरे पीछे जो राइड दिख रहा है, जो ये रेड कलर का पूरा राइड दिख रहा है, जो कोस्टर दिख रहा है, ये एक्चुअली अमेजिंग था। हम लोग ने बहुत ज्यादा वेट किया इस कोस्टर, थोड़ा यूनिक था। मतलब पहले सीधा जाने का, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, वो अलग ही कोस्टर था। मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो फिलहाल फरारी को बाय बोलेंगे, सॉरी फरारी वर्ल्ड को बाय बोलेंगे कि हम लोग ने मैक्सिमम राइड कवर। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहाँ पे साइनिंग ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या लंच करना बाकी है, क्योंकि लंच करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाना है बुर्ज खलीफा जाएंगे टॉप फ्लोर पे, वहाँ से भी आपको व्यूज बताएंगे। ओके सो अभी हम लोग जा रहे हैं द दुबई फाउंटेन शो। फ्राइडे भी है, दुबई मॉल में क्राउड भी बहुत ज्यादा है। दिख गया बुर्ज खलीफा दिख गया। फाउंटेन शो स्टार्ट होगा 7 बजे का। दुबई में शाहरुख के बहुत सारे फैन हैं, शाहरुख खान के बहुत सारे फैन हैं दुबई। बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर पे जाने के लिए, तो आप हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर पे। ओके सो मेरे ख्याल से मेरा माइक था, तो वो माइक मुझे देना पड़ा कैमरा का, तो उसके लिए मुझे डिपॉजिट करना पड़ा लगेज रूम के अंदर। एंड मैं अभी डायरेक्टली जा रहा हूँ 124th फ्लोर पे। 59 सेकेंड है, टिकट वगैरह सब कुछ है। पहले वाले टेक पे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वीडियो चालू ही नहीं था। ओके एनीवे, बाकी हम दुनिया के सबसे ऊपर है, हम है 124th फ्लोर पे जो बुर्ज खलीफा पे। आप देखो यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा, सबसे बेस्ट दिखेगा, सबसे अच्छा लगेगा। और ठंडी बहुत है, बहुत ज्यादा ठंडी है यहाँ पर। प्लीज आइए सर। तो हम लोग आज का ये जो व्लॉग होगा, थर्ड व्लॉग है मेरे ख्याल से। ओके डे 3 थर्ड व्लॉग, तो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप और आई बिलीव आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। क्या करना? लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। तो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, दुनिया के सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड के फ्लोर पे जाके। हम लोग फ्लोर पर ही है अभी हम लोग। ओके ओके अभी तो यहीं पे, तो अभी हम लोग एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है। बाय 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 बाय, शुक्रान 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 शुक्रान, बाय 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 बाय।